हाय गाइस, दिस इज योमेश सिन्हा। आज हम डिस्कस करेंगे सीड ड्रिल के बारे में, जो हमारा वीडियो सीरीज जो अभी का जो चल रहा है, सीडिंग एंड फर्टिलाइजिंग इक्विपमेंट्स के बारे में। ठीक है ना? सो लास्ट वीडियो तक हमने जो डिफरेंट मेथड है, आपका सीडिंग मेथड है, उसके बारे में डिस्कस किया था। सो आज हम डिस्कस करेंगे सीड ड्रिल के बारे में। एज यू नो, हमारा जो वीडियो है बायलिंगुअल होगा, जो स्क्रीन प्रिंटर है वो इंग्लिश में है, बट जो एक्सप्लेनेशन होगी वो हिंदी में होगी। ठीक है ना? तो जैसे कि जो डिफरेंट मेथड हमने जो डिस्कस किया था, उसमें एक मेथड था आपका ड्रिलिंग। ठीक है ना? तो ड्रिलिंग के लिए जो आपका इक्विपमेंट यूज होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सीड ड्रिल बोलते हैं। अब जो ये सीड ड्रिल है, आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन है सीड ड्रिल, उसके जो फंक्शंस है, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ये सारे चीज हम डिस्कस करेंगे। जो इसमें मीटरिंग मैकेनिज्म जो लगे होते हैं, अलग अलग टाइप का आपका मीटरिंग मैकेनिज्म होता है, तो सारे चीज को अपन वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो ऐसे कि सबसे पहले आप ये इमेज देख लो, इसको आप वैसे बाहर भी देखे होंगे जनरली, आप फार्म जैसे कई लोग के घर में जो जैसे कि एग्रीकल्चर होता है, या फिर कहीं ना कहीं आप इसको कहीं शॉप वगैरह में ऐसे रोड चलते हुए जो आपका एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स वगैरह का जो शॉप होता है, वहां से बाहर में रखा हुआ आप इसको देखे होंगे। ठीक है ना? तो ये जो इमेज में दिख रहा है, ये वाला जैसे कि ये अम्बाला लिखा हुआ है, तो उस कंपनी का नाम होगा जो कंपनी इसको मैन्युफैक्चर की है। ठीक है ना? तो ये जो दिख रही है क्या कहलाता है आपका? सीड ड्रिल। तो ये क्या मतलब? सीड सोविंग के लिए यूज होता है, जैसे कि सोविंग एंड सीडिंग एंड फर्टिलाइजर इक्विपमेंट है, तो ये सीडिंग के लिए और फर्टिलाइजिंग के लिए यूज होता है। ठीक है ना? सो जैसे कि इसके बारे में जो लिखा है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि सीड ड्रिल इज ए मशीन फॉर प्लांटिंग द सीड्स इन ए कंटिन्यूअस फ्लो इन फरोस। ठीक है ना? तो सीड ड्रिल क्या है? एक ऐसा मशीन है जो सीड्स को प्लांट करने के मतलब कंटिन्यूअस फ्लो में, ठीक है ना, किसी भी फरो में कंटिन्यूअस फ्लो में एट यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट इट मींस जैसे कि जो आप यूनिफॉर्म रेट मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में कितना सीड जाना चाहिए, जो यूनिफॉर्मिटी एक टर्म हम लोग डिस्कस किए थे, तो इस पर्टिकुलर एरिया में कितना सीड जाना चाहिए, फिर उस रो में जैसे कि सीड गिर रहा है तो कंटिन्यूअस फॉर्म में सीड गिर रहा है, रेट एट कंट्रोल्ड डेप्थ विथ और विदाउट द अरेंजमेंट ऑफ कवरिंग देम विथ सॉइल। ठीक है ना? एक पर्टिकुलर डेप्थ में क्या करता है ये आपका, मतलब यूनिफॉर्म रेट होता है, और एक पर्टिकुलर डेप्थ में उसको क्या करेगा? सो करेगा। और जैसे कि आगे जैसे कि इसमें लिखा हुआ है विथाउट द अरेंजमेंट ऑफ कवरिंग देम विथ सॉइल, विथ और विथाउट। ठीक है? अब जैसे कि उसके पीछे अगर कवरिंग डिवाइस लगा हुआ है, तो जो आपके फरो में सीड्स होगा उसको कवर कर देगा, और अगर कवरिंग डिवाइस नहीं लगा हुआ है तो वो कवर नहीं करेगा। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका क्या चीज, सीड ड्रिल का डेफिनेशन। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ इसको, कि सीड ड्रिल इज ए मशीन फॉर प्लांटिंग द सीड्स इन ए कंटिन्यूअस फ्लो इन फरोज एट यूनिफॉर्म रेट एट कंट्रोल डेप्थ विथ और विदाउट द अरेंजमेंट ऑफ कवरिंग देम विथ सॉइल। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका सीड ड्रिल का डेफिनेशन। अब जैसे कि यहां पर जो लिखा हुआ है कि अब जो सीड ड्रिल और प्लांटर में एक आपको डिफरेंस बता देता हूँ मैं, एक बेसिक सा डिफरेंस है कि जनरली जो सीड ड्रिल और प्लांटर दिखने में तो सेम होता है। ठीक है ना? मतलब आप ऐसे उसका जो आउटर लुक है, या फिर आउटर लुक के बेसिस पे आप उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये सीड ड्रिल है कि ये प्लांटर है। जो डिफरेंस होता है वो मीटरिंग मैकेनिज्म का डिफरेंस होता है, कि जो मीटरिंग मैकेनिज्म होता है वो अलग होता है। अब जैसे कि सीड ड्रिल में जनरली क्या होता है, मान लो कि ये आपका क्या है, फील्ड है। ठीक है ना? तो ये आपका फील्ड है, तो इसमें क्या होगा सीड ड्रिल में, जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 टाइम सीड ड्रिल, जैसे यहाँ पर काउंट कर लो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम सीड ड्रिल। ठीक है ना? तो एक बार में कितना रो आपका सोइंग होगा इसमें, या फिर सीडिंग होगा? 9 रो सीडिंग होगा। ठीक है? तो जैसे कि आप अपन सिंगल रो की बात करें, तो ऐसे इस टाइप से क्या होता है, एक रो में ऐसे आपका सोइंग ऐसे होते हुए जाएगा जब आप इसको फील्ड में ऑपरेट करोगे। ठीक है ना? तो जो एक रो से दूसरा रो का डिस्टेंस है, मतलब इस रो से इस रो का डिस्टेंस क्या रहता है, इसमें कांस्टेंट रहता है। ठीक है? जैसे कि यहां पर देख रहे हो आप, ये जो टाइम लगा हुआ है, इसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बट अभी बता देता हूँ, यहां पर ये जो लगा उसको फरो ओपनर बोलते हैं, ये टाइन है यहाँ पर। ठीक है? ये मेन फ्रेम हो गया, तो देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या रहता है, फिक्स रहता है। ये मतलब आप इसको चेंज भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू क्रॉप, जैसे कि आप डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप का जो रो टू रो डिस्टेंस होता है वो अलग अलग होता है, तो आप ये विद द हेल्प ऑफ नट एंड बोल्ट, ये टाइट रहता है, तो आप नट एंड बोल्ट को ओपन करके आप इसको आप जो इसका विड्थ है इसको सेट कर सकते हो। ये जो फ्रेम होता है, फ्रेम के ऊपर जो बहुत सारे होल्स लगे मतलब होल रहते हैं। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि यहीं पर बस होल है, इसमें
से एक पर्टिकुलर एक फिक्स डिस्टेंस पे बहुत सारे होल रहते हैं, तो आप अपने आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है सीड ड्रिल में कि जो ये यहाँ से यहाँ तक मतलब ये जो रो टू रो डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, तो रो टू रो डिस्टेंस क्या होता है आपका कॉन्स्टेंट रहता है, फिक्स रहता है। जो आप सीडिंग से पहले या फिर आपको जो भी क्रॉप आप सोविंग कर रहे हो तो उसके बेसिस पे आप जैसा भी उसको फिक्स कर दो। बट जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है, मतलब जैसे कि एक फरो में आपका सोविंग हो रहा है, तो ये सीड ड्रिल में क्या होता है कंटिन्यूअस फ्लो में होता है, मतलब आपका जो प्लांट टू प्लांट का जो डिस्टेंस रहता है वो मेंटेन नहीं रहता है। कंटिन्यूअस फ्लो में क्या हो जाता है आपका सोविंग हो जाता है, ठीक है ना। बट जो प्लांटर होता है, प्लांटर के बारे में अपन देखते हैं। मान लो ये हो गया आपका, ये सीड ड्रिल की बात हो गई, इधर जो सीड ड्रिल है वो, अब अपन इधर बात करते हैं प्लांटर के बारे में। तो प्लांटर में क्या होता है, जैसे कि आपका ये दिखने में तो ऐसे ही होता है मैं बता रहा हूँ, बट जो मीटरिंग मैकेनिज्म का डिफरेंस रहता है, तो उसमें भी क्या रहता है आपका जो टाइन जो फिट है फ्रेम में वो तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में फिट रहेगा। तो जैसे कि ये आपका हो गया, ये जैसे कि आप मान लो स्ट्रेट लाइन है ऐसे, तो ये आपका जो रो टू रो डिस्टेंस है वो तो मेंटेन हो रहा है उसमें। बट जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है, मतलब जैसे कि आपका एक सीड यहाँ गिर रहा है, ठीक है ना, तो दूसरा सीड कहाँ गिरेगा, उतने ही डिस्टेंस में यहाँ गिरेगा, फिर तीसरा सीड उतने ही डिस्टेंस में यहाँ ड्रॉप होगा। तो ये डिफरेंस होता है आपका क्या चीज सीड ड्रिल और प्लांटर में, कि जो सीड ड्रिल है उसमें सिर्फ और सिर्फ रो टू रो डिस्टेंस मेंटेन होता है, बट जो प्लांटर है उसमें रो टू रो प्लस प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस दोनों चीज मेंटेन होता है, ठीक है। ये बेसिक सा डिफरेंस है, बाकी जो उसके कंपोनेंट्स हो गए, जो फंक्शन हो गया और डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट का फंक्शन हो गया, जो इसको टेस्टिंग करते हैं सीड ड्रिल में क्या क्या टेस्ट होता है, लैब टेस्ट होता है, आपका फील्ड में जो भी टेस्ट होता है वो सब सेम है। बस जो मीटरिंग मैकेनिज्म है वो क्या होता है आपका सीड ड्रिल का अलग होता है और प्लांटर का जो मीटरिंग मैकेनिज्म वो अलग होता है। और यही मीटरिंग मैकेनिज्म का जो डिफरेंस है ये दोनों में, मतलब जो मीटरिंग मैकेनिज्म इसमें यूज होता है वो इसको क्या बनाता है प्लांटर बनाता है, और इसको क्या करता है वो सीड ड्रिल बनाता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारा किसका सीड ड्रिल और प्लांटर का, तो मतलब प्लांटर तो आगे और डिस्कस करेंगे, बट जो बेसिक सा डिफरेंस है सीड ड्रिल में, मतलब वही डिफरेंस होता है कि जो मीटरिंग मैकेनिज्म होता है सीड ड्रिल का, मीटरिंग मैकेनिज्म अलग होता है, वो कंटिन्यूअस फ्लो ही करता है आपके सीड को, इसमें सिर्फ रो टू रो डिस्टेंस मेंटेन होगा, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन नहीं होगा। बट प्लांटर में क्या होता है आपका रो टू रो डिस्टेंस मेंटेन होगा, प्लस उसके मीटरिंग मैकेनिज्म ऐसे होते हैं कि वहां पर जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो भी आपका क्या रहता है मेंटेन होता है। तो ये हो गया सीड ड्रिल। बाकी इसके जो कंपोनेंट है, जैसे कि ये हो गया आपका फ्रेम हो गया, ये सीड बॉक्स हो गया, यहाँ पर जो ये वाला जो दिख रहा है ये होता है आपका मीटरिंग मैकेनिज्म, जैसे ये जो लगा हुआ है ना ये क्या करता है, ये मीटरिंग मैकेनिज्म है, ये सीड ट्यूब है आपका सीड को डिलीवर करता है, ये फ्रेम हो गया, ये वाला पोर्शन इसको ग्राउंड व्हील बोलते हैं, यहाँ पर चाइनीज स्प्रॉकेट अरेंजमेंट होता है पावर सप्लाई के लिए, ये आपका टाइन कहलाता है, यहाँ पर जो लगा है ये फरो ओपनर है, इसके पीछे जो दिख रहा है क्या है बूट है आपका। इसको और आगे जब कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर और डिस्कस करेंगे अच्छे से, बट अभी आपको ऐसी जनरल जनरल बता रहा हूं कि ये सीड बॉक्स है। बाकी ये जो नाम लिखा हुआ है तो इस कंपनी का नाम है जो कंपनी इसको क्या है मैन्युफैक्चर की है, ठीक है। तो ये है आपका क्या चीज सीड ड्रिल। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ इसका डेफिनेशन में, सीड ड्रिल इज ए मशीन फॉर प्लांटिंग द सीड्स इन अ कंटिन्यूअस फ्लो इन फरोस एट यूनिफॉर्म रेट एट कंट्रोल डेप्थ विथ और विथआउट द अरेंजमेंट ऑफ कवरिंग देम विथ सॉइल, ठीक है ना। पर्टिकुलर डेप्थ में, कंट्रोल डेप्थ में जनरली क्या होता है आपका जो सीड होता है वो अप टू 5 सेंटीमीटर के डेप्थ तक क्या किया जाता है आपका सोविंग किया जाता है। ज्यादा डेप्थ में भी सोविंग करना फिर उसको जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आएगा, जो मोर्टिलिटी रेट है वो हाई हो जाता है, ठीक है ना। मतलब आपके कम सीड सो करेंगे क्योंकि हर एक सीड को ग्रो करने के लिए उसको प्रॉपर एयर वाटर सनराइज, मतलब जो सनराइज है सारा चीज क्या होता है ये रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर डेप्थ में क्या करते हैं अपन सोविंग करते हैं। तो ये हो गया क्या चीज आपका सीड ड्रिल। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या है फंक्शन ऑफ सीड ड्रिल, फंक्शन देख लेते हैं कि सीड ड्रिल का फंक्शन क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो फंक्शन क्या क्या होते हैं, सबसे पहला जो लिखा है टू कैरी द सीड, मतलब सीड को कैरी करेगा। कहाँ से कैरी करेगा, आपका जो सीड बॉक्स है, जैसे कि जो इमेज में आपको बताया था मैं सीड बॉक्स है, तो जो मीटरिंग मैकेनिज्म है, मीटरिंग मैकेनिज्म क्या करता है सीड बॉक्स से सीड को क्या करेगा कैरी करेगा, और फिर जो आपका मीटरिंग मैकेनिज्म जो सीड ट्यूब है, ठीक है ना, जो सीड ट्यूब के ऊपर में से फनल टाइप से बना होता है, उसमें क्या कर देता है उसको सीड बॉक्स से पिक करके आपके फनल में क्या करता है वो ड्रॉप कर देता है, ठीक है ना। फिर जैसे ही उसको ड्रॉप करेगा
वो जो सीड ट्यूब जो लगा था, सीड ट्यूब के होते हुए फरोपन के जो पीछे बूट लगा होता है, ठीक है, वो उस वहां वहां पर आ जाता है वो, ठीक। तो सबसे पहला काम क्या होता है सीड ड्रिल का आपका, टू कैरी द सीड, सीड को क्या करेगा, सीड को कैरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका फंक्शन है टू ओपन फरो टू एन यूनिफॉर्म डेप्थ, मतलब जो जैसे कि आप ये इमेज देखो, ये वाला जो पोर्शन क्या कहलाता है आपका, फरो ओपन कहलाता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, फरो ओपन करता है, फरो मतलब फरो जस्ट लाइक फरो मेकिंग करता है, एक नाली टाइप से स्ट्रक्चर वहां पर बनाता है, मतलब फरो ओपन करेगा एक यूनिफॉर्म डेप्थ, मतलब जितने डेप्थ में आप उसको सेट करोगे, जो ऑपरेटर होता है, जो ड्राइवर होता है, जो उस टाइम पे आपका जो ट्रैक्टर ऑपरेट कर रहा है, तो जो हाइड्रोलिक सिस्टम जो होता है, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, वो डेप्थ को मेंटेन करता है यूनिफॉर्म डेप्थ, मतलब वो डेप्थ को क्या कर देता है, फिक्स कर देता है, ठीक है ना, कि वो उतने ही डेप्थ पे क्या होगा आपका, वर्क करेगा। तो जैसे एक तो फंक्शन हो गया आपका, सीट को कैरी करेगा कहां से, सीट बॉक्स से कैरी, सीट बॉक्स से कैरी करेगा, और जो फनल होता है वहां पर उसको क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा, और जैसे ड्रॉप करेगा वो सीट ट्यूब के थ्रू होते हुए कहां चले जाएगा, आपके फरो ओपनर के पीछे जो बूट लगा होता है वहां तक चले जाएगा। और जो फरो ओपनर का काम क्या होता है, वो फरो मतलब एक फरो स्ट्रक्चर बनाएगा, फरो ओपन करेगा यूनिफॉर्म डेप्थ पे। नेक्स्ट फंक्शन आपका क्या है, टू मीटर द सीट, टू मीटर द सीट्स का मतलब है जितने अमाउंट में आपको सीड सोइंग करना है। अब जैसे कि वहां पर जो सीड मीटरिंग मैकेनिज्म होता है, वहां पर एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। अरेंजमेंट इट मीन जैसे कि जो उसका सीड आपका मीटरिंग मैकेनिज्म का जो ओपनिंग है, ओपनिंग इट मीन आप उसको नंबर ऑफ सीड, एक मतलब नंबर ऑफ सीड आप ज्यादा वहां पर सीडिंग करना चाहते हो, या फिर कम सीडिंग करना चाहते हो, या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट सीड्स होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स के जो सीड हैं, वो आप जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप चना अगर किसी फील्ड में आप सोइंग कर रहे हो, ठीक है ना, तो वहां पर ऐसे मेंशन रहता है कि चना जनरली 100 केजी पर हेक्टेयर उसका जो सीड रेट होता है, तो इतना केजी पर हेक्टेयर, 100 केजी पर हेक्टेयर है, जो डिफरेंट डिफरेंट जो सीड होते हैं उसका सीड रेट होता है वो अलग अलग होता है, जो कि आपका साइंटिफिकली जो अप्रूव्ड है, ठीक है ना। तो जो मैन्युफैक्चरर लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपका सीड रेट डिफाइन कर रखते हैं कि अगर आप इतना ओपनिंग करोगे तो आपका सीड रेट इतना रहेगा, इतने ओपनिंग पे इस क्रॉप का सीड है तो इसका सीड रेट क्या होगा, इतना होगा। तो आपका सीड ड्रिल एक और क्या काम करता है, जो सीड है उसको मीटरिंग करने का काम करेगा, जो मीटरिंग मैकेनिज्म होता है वही क्या करता है आपका सीड, जो आपका सीड ड्रिल है उसको, मतलब जो सीड है उसको मीटरिंग करने का काम करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जो फंक्शन हो क्या है, टू प्लेस द सीड इन ए फरो इन ए एक्सेप्टेबल पैटर्न, आपका जो सीड है, जो आपका जो सीड ट्यूब के थ्रू जो आपका जो फरो ओपनर के पीछे जो बूट लगा है वहां पर जो आपका सीड आ रहा है, ठीक है, उसको क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करता है और जिस पैटर्न में आप शो करना चाहते हो आपको क्या करेगा, फरो ओपनर में उसको प्लेस कर देगा। लास्ट फंक्शन आपका टू कवर द सीड एंड कॉम्पैक्ट द सॉइल अराउंड द सीड, ठीक है। आपका जो सीड ड्रिल के पीछे में एक कवरिंग डिवाइस लगा होता है, ठीक है ना, तो वो कवरिंग डिवाइस क्या करता है, आपका जैसे ही आपका सीड सोविंग होगा, फरो ओपनर के पीछे फरो मेकिंग होगा, देन पीछे जो बूट लगा है वहां पर सीड ट्यूब के थ्रू जैसे ही आपका सीड वहां पर ड्रॉप हो जाएगा, फिर जो कवरिंग डिवाइस है उसको क्या कर देगा, कवर कर देगा, और जो सॉइल है सीड के आसपास का जो सॉइल है उसको थोड़ा कॉम्पैक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या चाहिए आपका, फंक्शन ऑफ सीड ड्रिल। एक टर्म और होता है सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, ठीक है ना। तो एक तो पहले अपन देखें क्या चीज सीड ड्रिल, तो सीड ड्रिल का क्या काम था आपका, सीड सोविंग करने का काम था। एक टर्म आता है सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल से नाम से क्लियर है, सीड के साथ साथ आपका क्या चीज होगा, जो फर्टिलाइजर है, ठीक है, फर्टिलाइजर भी क्या होगा आपका, मतलब फर्टिलाइजर भी वहां पर आप फील्ड में सोविंग करोगे, या फिर जो जनरली स्कैटरिंग करते हैं आप फर्टिलाइजर का, तो आपका एक ही टाइम पे आपका सीड भी ड्रॉप होगा और फर्टिलाइजर भी ड्रॉप होगा। तो जो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल क्या होता है उसके बारे में देखते हैं, कि सीड ड्रिल फिटेड विद फर्टिलाइजर ड्रॉपिंग अटैचमेंट डिस्ट्रीब्यूट द फर्टिलाइजर यूनिफॉर्मली ऑन द ग्राउंड, इट इज कॉल्ड सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, ठीक है ना। तो जो सीड ड्रिल होता है उसमें ही एक और बॉक्स लगा देते हैं उसके पीछे में, या फिर जो सीड बॉक्स होता है, ठीक है, सीड बॉक्स को ऐसे बीच से अपन क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड में हम उसका इमेज देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि वहां पर क्या होता है, दो बॉक्स होते हैं, तो दो बॉक्स होते हैं, तो एक बॉक्स में आपका सीड रहता है और दूसरे बॉक्स में क्या रहता है, आपका फर्टिलाइजर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या होता है, सच ए ड्रिल हैज अ लार्ज सीड बॉक्स विच इज डिवाइडेड लेंथ वाइज इनटू टू कंपार्टमेंट, वन फॉर सीड एंड अनदर फॉर फर्टिलाइजर। या तो एक लार्ज साइज का सीड बॉक्स रहेगा, उसको अपन बीच से डिवाइड कर देंगे लेंथ वाइज में, एक आपका सीड के लिए और दूसरा फर्टिलाइजर के लिए, या फिर कई बार क्या होता है कि दो अलग अलग जो बॉक्सेस हैं वो यूज होते हैं। अब जैसे ये तो हो गया इसके
सीट कंफर्ट लेवल के बारे में, एक्चुअल में इसका डायग्राम देखते हैं तो सारा चीज और क्लियर होगा। ठीक है, ये क्या है आपका सीट कम फर्टिलाइजर ड्रिल। अब देखो यहाँ पर जैसे कि ये दो बॉक्स लगा हुआ है ना, देखो एक येलो कलर का बॉक्स है और एक क्या है ग्रीन कलर का बॉक्स है। तो एक में क्या होता है आपका, एक में सीड रखा होता है और एक में क्या लगा होता है फर्टिलाइजर रखा होता है। जनरली जो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि जो पहले क्या चीज ड्रॉप होगा, तो पहले हमेशा क्या ड्रॉप होता है आपका फर्टिलाइजर ड्रॉप होता है, देन उसके ऊपर क्या ड्रॉप होता है आपका सीड ड्रॉप होता है। तो जैसे कि अगर आपके वाइवा वगैरह में ऐसा क्वेश्चन आया कि जो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल में फ्रंट बॉक्स में, मतलब फ्रंट वाला जो सीड बॉक्स मतलब जो बॉक्स होता है उसमें क्या रखा होता है, तो क्या रखा होता है फर्टिलाइजर रखा होता है, देन जो रियर वाला होता है उसमें क्या रहता है आपका सीड रहता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो यहाँ पर दो दो ट्यूब है, एक ट्यूब आपका यहाँ से निकल रहा है, दूसरा ट्यूब यहाँ से निकल रहा है, ये आपका फर ओपनर है, इसके पीछे क्या लगा हुआ है बूट लगा हुआ है, तो एक एक से आपका फर्टिलाइजर ड्रॉप हो रहा है, देन इसके ऊपर क्या हो रहा है सीड ड्रॉप हो रहा है। ठीक है ना, तो देखो पहले फर्टिलाइजर ड्रॉप होता है उसके बाद सीड ड्रॉप होता है, उसका उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है कि जनरली आप कहीं पर भी जैसे कि आप सीड ड्रॉप किए, ठीक है ना, तो मान लो कि जाइए आपका कोई भी फील्ड है यहाँ पर, ये क्या हो गया आपका सीड ड्रॉप हो गया, अगर इसके ऊपर आप फर्टिलाइजर ड्रॉप करोगे तो फर्टिलाइजर से क्या होता है एक गैस रिलीज होता है। ठीक है ना, तो वो गैस रिलीज होगा तो क्या होगा इसको वो कवर कर देगा, इसको कवर कर देगा तो फिर क्या होगा आपका जो सीड है सीड को जर्मिनेशन में क्या होगा प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए जो आपका फर्टिलाइजर पहले क्या होता है नीचे ड्रॉप हो जाता है, ठीक है ना, और फर्टिलाइजर क्या होता है मतलब फर्टिलाइजर है तो उसमें न्यूट्रिएंट रहते हैं ना, तो वो किसके कॉन्टेक्ट में रहता है सॉइल के कॉन्टेक्ट में, तो आपने वहां पर का जो जो सॉइल है वो क्या हो जाता है अच्छे से उस न्यूट्रिएंट मतलब वो फर्टाइल हो जाता है, और इसके ऊपर क्या रहता है फिर आपका सीड रहता है, तो वो जो ये सीड है ये डाउनवर्ड रूट का ग्रोथ डाउनवर्ड होता है ना, तो जब ये जर्मिनेट होता है तो जो ये आपका जो फर्टिलाइजर है वहां से वो जो न्यूट्रिएंट है उसको वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है ना, तो इसलिए जो आपका जो फर्टिलाइजर होता है तो जो फर्टिलाइजर जो होता है वो हमेशा नीचे रहता है और जो आपका सीड है उसको हम ऊपर प्लेस करते हैं। तो यहां से अगर जैसे कि अगर कुछ भी ऐसे क्वेश्चन बने कि आपका सीड ड्रिल में आप जब सीड ड्रिल से सोविंग करते हैं तो सीड को पहले प्लेस करते हैं फर्टिलाइजर को, तो हमेशा ध्यान रखना फ्रंट में हमेशा आपका फर्टिलाइजर रहेगा और फर्टिलाइजर ही पहले ड्रॉप होता है, देन उसके बाद आपका क्या होगा उसके ऊपर सीड ड्रॉप होता है। और अगर रीजन पूछे तो ऐसा क्यों होता है, तो अगर आप सीड को पहले ड्रॉप करोगे उसके अगर फर्टिलाइजर ड्रॉप करोगे तो उससे जो गैस रिलीज होता है तो उसको गैस को क्या कर देगा एक कैनोपी के टाइप से उसको कवर कर देगा, और अगर जो कवर हो जाएगा तो फिर वहां पर उसको जर्मिनेट होने में क्या आएगी मतलब जर्मिनेशन में क्या आएगा प्रॉब्लम आएगा। तो और अगर आपका फर्टिलाइजर पहले ड्रॉप कर दोगे तो फर्टिलाइजर सीधे सॉइल के कॉन्टेक्ट में आएगा, वहां के सॉइल को अच्छे से फर्टाइल करेगा और जो आपका जो सीड है जब वो जर्मिनेट होगा तो उसका रूट क्या होता है आपका डाउनवर्ड ग्रो करता है ना रूट। ठीक है, तो वहां से उसको क्या करेगा अच्छे से उसको जो आपका न्यूट्रिएंट है आप जो भी फर्टिलाइजर आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग फर्टिलाइजर प्रोवाइड किया जाता है तो उसको जो भी न्यूट्रिएंट है उसमें उसको क्या करेगा वो अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा और अच्छे से ग्रो करेगा। ठीक है ना, तो ये होता है आपका क्या चीज सीड ड्रिल और सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसे कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और क्या क्या इसके जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है उसके क्या फंक्शन है, कौन सा कंपोनेंट कहां पर होता है, बाकी जो कंपोनेंट्स के बारे में तो आपको हल्का सा जानकारी बताई दिया था मैं, यहां पर फिर से देख लो कि ये जो है वह सीड बॉक्स है, यहां पर जो लगा हुआ है मीटरिंग मैकेनिज्म है इसको बोलते हैं सीड ट्यूब बोलो या फिर डिलीवरी पाइप बोलो, यहां पर जो थ्री पॉइंट लिंकेज है जो आपको थ्री पॉइंट लिंकेज के बारे में जो बताए थे हम, जो ट्रैक्टर के जो पीछे माउंट होता है दो लोअर लिंक से कनेक्ट होता है एक टॉप लिंक से, ये तो हो गया आपका मेन फ्रेम हो गया, ये हो गया आपका टाइम, ये कहलाता है आपका फर ओपनर, ये ग्राउंड व्हील हो गया, और जो यहाँ पर लगा है चाइनीज प्रॉकेट लगा है पावर सप्लाई करने के लिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जैसे कि आपका सीड ड्रिल जो है वो पावर कहाँ से लेता है, तो ग्राउंड व्हील से पावर लेता है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है या फिर वाइवा में इस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है कि जो सीड ड्रिल में है वो पावर कहाँ से आता है, तो सीड ड्रिल का जो मीटरिंग मैकेनिज्म है तो जो मीटरिंग मैकेनिज्म में पावर सप्लाई कहाँ से होता है आपका जो ग्राउंड व्हील लगा होता है। ठीक है ना, मतलब ग्राउंड से ही आपका पावर सप्लाई होता है। ठीक है, सो आज का वीडियो ये जो ये वाला वीडियो हम इसको यहीं पर एंड करते हैं, सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू।